डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने सिविल अस्पताल नूरपुर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में संभाला पदभार। इससे पहले भी नूरपुर अस्पताल की प्रभारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता। आरके हिमाचल न्यूज के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल नूरपुर में बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपना कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा ताकि पात्र लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अस्पताल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को तालमेल में बनाकर ओपीडी को बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। नीरजा गुप्ता ने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि हमने रेडियोलॉजिस्ट की कमी के बारे में सरकार को अवगत करवा दिया है और जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट आ जाता है तो सीटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाएगी वह जल्द ही लागू कर उसकी सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नूरपुर में जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है उसमें सुचारू रूप से चल रही है और जो आगे स्कीम्स गवर्नमेंट की होंगी उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा और यथासंभव जो भी पेशेंट्स को फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से मशीन जो बंद पड़ी हुई है। वो रेडियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट की को अवगत कराया हुआ है और जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग हो जाती है तो ये सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा प्राथमिकता के तौर पर आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप नूरपुर हॉस्पिटल के बारे में खुद भी जानती हैं। जो भी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि पेशेंट्स को सर्विसेज ठीक मिलें और जितनी भी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं उनको जितनी अच्छी तरह से हम चला सकते हैं कर पाएं हम करेंगे जरूर।